आज पार्लियामानी कमेटी के इजलास में खालिद महमूद सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि अगर हुकूमत टीएलपी से मुज़ाकरात कर सकती है तो हमारे कारकुनों को रिहा करने में क्या मसला है, आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से कारकुनों की बात की है, और इस बात का भी बड़ी खुशी हुई कि आज उनको 5 साल बाद ख्याल है अपने कारकुनों का। जो कारकुन गिरफ्तार हैं, जो मिसिंग है, उनको तो सैयद मुस्तफा कमाल साहब ने आजाद भी करवा लिया है, रियासत से कहकर उनको छुड़वा दिया और उनके माओ के हवाले कर दिया है, उनके वालदेन के हवाले कर दिया है। चल एक बाकी है, इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ से वो साथी जो मिसिंग है उनको भी इंशाल्लाह ताला बाजियाब कराकर उनके वालदेन के हवाले कर दिया जाएगा। तो 5 साल बाद इनको ख्याल आ रहे, ये हुकूमत में बैठे हुए इस वक्त 3.75 साल इनको हो गए हैं, 3.75 साल में इनकी डिलीवरी आप देखें कुछ भी नहीं है। अब जाहिर है लोग खींचू कर रहे हैं, अब इनको ये चाह रहे हैं हमें आजादी मिले, कौन सी आजादी चाहिए? आजादी तो इनके पास है ना, इनके दफातर खुले हुए हैं, इनके यूनिट खुले हुए हैं, बादराबाद ऑफिस खुला हुआ है, तमाम इनकी एक्टिविटीज जारी है, ये तमाम इजलास अटेंड कर रहे हैं, इनके फेडरल मिनिस्टर मौजूद है, इनके MLA MPS सेनेटर मौजूद है, ये तमाम तर सरगर्मियां अपनी जारी रखे हुए हैं। अब ये कौन सी आजादी चाह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। शायद मैं ये सोच रहा हूँ ये आजादी चाह रहे हैं कि जिस तरह पहले पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया है, ये चाह रहे हैं कि शायद फिर उसी तरह का माहौल बने, और ये शायद ये चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन को ऑन कर दिया जाए। बाकी तो आजादी इनके पास है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा इनके पास ये कौन सी आजादी चाह रहे हैं। अब देखें ये चीजें समझने की जरूरत है, उन रियासती अदारों को भी समझने की जरूरत है कि जाहिर है एक क्लियर पॉलिसी है पाक सरजमीन पार्टी की, हमने पाकिस्तान का नारा लगाया है, पाकिस्तान का परचम हमने हाथ से उठाया है, और हमने उन लोगों के मुखालफत की है जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, जो जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं कि हमें पनाह दी जाए, जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, हमने तो उन कुवतों का सामना किया है, उन कुवतों से हमने टक्कर लिए, तो ये वही चाह रहे हैं। आजादी ये कौन सी है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो रियासी अदारों को भी पता है कि इनकी तमाम तर आजादियां, इनके दफातर खुले हुए हैं, ये इजाज़त अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हुकूमत का ये हिस्सा है, इनके फेडरल मिनिस्टर है, अब ये कौन सी आजादी चाह रहे हैं।